नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जारी की गई है, यानी कि बिहार पुलिस द्वारा वैकेंसी जारी की गई है जो कि पूरी तरह से सरकारी वैकेंसी है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के अधीन में संस्था आती है। सो इसके द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके बारे में आपको अपनी इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशंस रहने वाली, यानी कि योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना और कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको ले जाते हैं इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है सरदार पटेल भवन है, जो कि वेबसाइट है www.csbsc.bih.nic.in है। और उत्पाद एवं निबंधक विभाग में मत निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि अंतिम तिथि है इसमें 18 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवेदन कर दे, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जारी की गई है। सो विज्ञापन संख्या 02/2021 है और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो आपका रहेगा 21,700 से लेकर 53,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी दी जाएगी पर मंथ की, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस और प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंप्लॉइज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, जैसा कि बेसिक अलाउंसेस होते हैं, डेयरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस और भी बेसिक अलाउंसेस आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें कुल 365 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इस पद भी जो नियुक्ति रहेगी, विज्ञापन संख्या आपके सामने ही है। आवेदन करने की जो प्रारंभ हो जाएगा वो 19 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लास्ट डेट इसकी है। 18 जनवरी 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई, तो भारत का नागरिक ही इसके लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष महिला एवं वर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पुरुष महिला और जो अदर जेंडर हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर हैं जो। और इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, तो मध्य विशेष सिपाही के पद के लिए शैक्षिक अर्हता दिनांक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण और अभ्यर्थी की उच्च दिनांक को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियुक्ति होगी, यानी कि बहुत ही कम इसमें शिक्षक योग्यता मांगी है। दोस्तों, जो भी 12+2 पास हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड जो रहेगा, ऊंचाई सीना और वजन जो रहेगा वो ऊंचाई होनी चाहिए, तो वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनरक्षित और पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं वो पुरुषों के लिए इसमें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए इसमें न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो होना चाहिए सिर्फ पुरुषों के लिए ही है। अनुसूचित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए इसमें बिना फुलाने पर 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेमी होना चाहिए न्यूनतम, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनके लिए बिना फुलाने पर 81 सेमी और फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाने पर 79 सेमी और फुलाने पर 84 सेमी होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने का माप नहीं होगा, इसमें महिलाओं के लिए सीने का माप नहीं होना है। सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम से कम नहीं होना चाहिए इससे। दिव्यांगों के लिए मापदंडों बिहार गजट पटन शुक्रवार। नियुक्ति की जो प्रक्रिया रहेगी, प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके ही लिखित परीक्षा का आवेदन आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा की सत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक
उच्च समक्ष सत्र का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रश्न पत्र जो 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें एक अंक दिया जाएगा एक प्रश्न पे। OMR शीट आपका इसमें उत्तर पुस्तिका होगी। और पाठ्यक्रम जो रहेगा आपका लिखित परीक्षा सत्र बिहार विद्यालय इसमें कक्षा 10वीं अथवा समक्ष सत्र का होगा। लिखित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्रणाली विज्ञापन विज्ञान, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा आपको इसमें क्वालिफाई करनी अनिवार्य रहेगी। और द्वितीय चरण जो होगा, जो कि शारीरिक योग्यता होगी, इसमें अधिकतम 50 अंक की होगी सभी कोर्ट के पुरुषों के लिए। और इसमें 5 मिनट से कम 50 अंक, 1 मील 1.6 किलोमीटर, अधिकतम 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी दौड़ 1.6 किलोमीटर की। और जिसमें कि आपको इसमें अंक दिए जाएंगे, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जो इससे ज़्यादा टाइम लेंगे उन्हें इसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए इसमें 1 किलोमीटर आपको कंप्लीट करनी है 5 मिनट में। सो गोल फेंकना होगा, जो कि 25 अंक होंगे, जिसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फिट फेंकना होगा। ऊंची कूद 25 अंक होंगे, जिसमें न्यूनतम ऊंचाई 4 फिट होगी जिसकी। और इसमें और सभी कोर्ट के महिलाओं के लिए इसमें 3 फिट की होगी और 4 फिट की पुरुषों के लिए है इसमें। और इसमें जो कोर्ट पदों की संख्या जो रहेगी, अनरक्षित के लिए 126 पद रहेंगे इसमें। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए इसमें 29 पद रहेंगे। और जो अनुसूचित जाति से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए इसमें 88 पद रहेंगे। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 6 पद रहेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनके लिए 82 पद रहेंगे। पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनके लिए 21 पद रहेंगे। पिछड़े वर्ग की समीक्षा के लिए आते हैं उनके लिए 13 पद रहेंगे। सो कुल इसमें 365 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। सो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन करना है, जो कि है www.csp.bih.nic.in पे, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें पहले अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि पंजीकरण करना होगा, फिर आप इसमें जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, वो आपकी 675 रुपये इसमें जमा करनी है। और जनरल और OBC कैंडिडेट्स को इसमें, और अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी, उन्हें इसमें 180 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करनी है। सो डिपॉजिट आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसमें ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो। सो अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, जो कि एक बार विस्तारपूर्वक देख के समझ के फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।